हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर में सब अपने मस्त होंगे। तो अभी ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे फेसबुक पर, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे फेसबुक पर कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, तो मेरे पास कुछ रीज़न थे ऐसे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची की मैं वीडियोज़ शेयर कर रही थी, तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया, छोटी सी बच्ची हुई हमारे घर में, यानी कि मेरे देवर देवरानी के बेटी हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ और हस्बैंड जा चुके हैं लंच लेकर और ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। उनके जाने के बाद ही किचन की क्लीनिंग होती है और घर की सारी क्लीनिंग भी मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। मतलब जो छोटा मोटा काम होता है उनके सामने कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ उनके जाने के बाद ही मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और अभी जो है यहाँ पर करूँगी क्लीनिंग। और ये आई थिंक जन्माष्टमी के बाद नहीं, 15 या 17 के आसपास की ये वीडियो है, काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है, क्योंकि उस टाइम बारिश आई थी, लास्ट बारिश थी उस तब की वीडियो है ये। तो किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी व्लॉगिंग, और आप समझ सकते हैं इस बात को। और जो बेटी हुई है ना, वो हुई है घर से दूर, तो हुआ क्या है कि उसके मतलब होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस हम किस तरह का वहाँ पहुँच जाएँ, बस किसी तरह वहाँ चले जाएँ, जल्दी से मिल लें। तो वो यहाँ पर नहीं रहती, मतलब यहाँ पर नहीं रहते हैं देवर देवरानी, हापुड़ में रहते हैं, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि बस कहीं यहाँ पर होता तो और अलग बात हो जाती, वहाँ पर हुई है तो ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह यहाँ से चले जाएँ। और शायद आप लोग समझ सकते हैं एक्साइटमेंट, जब बच्चा घर में हो तो ऐसा लगता है ना कि बस किसी तरह मिल लें फटाफट से, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। लेकिन मन भी हो रहा था जाने का और नहीं भी जा सकते थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस टाइम, जिस टाइम ये वीडियो बना रही थी उस टाइम एग्ज़ाम भी हो रहे थे। तो अभी जो है मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली है सारी, और किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं अब करूँगी अपने नहाने धोने के लिए, और घर की जो क्लीनिंग होती है वो भी मैं साथ के साथ निपटाती रहती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर ये मैंने ऑयल बना के रखा हुआ है नींबू वाला, ये डैंड्रफ के लिए होता है, मेरे बेटे के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। और इसी बीच यहाँ पर आ गया था कूड़े वाला, कूड़े वाले की आवाज़ आ गई, तो मैं गाउन में नीचे बिल्कुल भी नहीं जाती, और बारिश की वजह से ना सारा गीला गीला हो रहा था, तो मैंने चेंज करके नीचे आई, उसके बाद मैंने कूड़ा रखा। और अभी देवे ये हमारी छोटी सी प्यारी सी कैट यहाँ पर आ गई है। और जो मैंने तेल बनाया था नींबू और सरसों का तेल, क्योंकि डैंड्रफ है ना सिर में, तो उसमें ये फ़ायदा करता है, इसके कुछ ज़्यादा ही डैंड्रफ हो रखी है, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ। और इसके ऑयल करने के बाद मैं अपनी बाकी के काम करने वाली हूँ जल्दी जल्दी से। तो आप लोग मेरे व्लॉग को देखते रहिए, देख कर बताइए कि कैसे बने हैं मेरे व्लॉग, मुझे एकदम परफेक्ट व्लॉग नहीं आते हैं बनाने। और अभी यहाँ पर ये दोनों मस्ती कर रहे थे, बहन भाई दोनों, तो मैंने कहा कि आप ऑयलिंग करवा लो, और इस ऑयल को लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे रुकना पड़ता है, उसके बाद इसको कंटिन्यू हेयर वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 2 घंटे कंटिन्यू रखने के बाद उसके बाद शैम्पू लगा कर लो, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और डैंड्रफ बहुत कम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से मसाज करना होता है इसको, नींबू और ऑयल का मिक्सचर। और अभी ऑयलिंग करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरे कमरे की दीवारें हैं ना, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं ना, बारिश इतनी ज़्यादा हुई देहरादून में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और इतनी बारिश हुई है कि दीवारों पर इतनी ज़्यादा काला काला काई सी, काई कहते हैं या सीलन कह लो या कुछ भी,
जो भी है वो सब इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, हो गई ना, कि उसकी वजह से दीवारें एकदम बेकार सी लग रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये काम भी शुरू कर देना चाहिए, धीरे धीरे क्लीनिंग करना शुरू करना चाहिए। पहले मैंने ऐसे ही सूखे कपड़े से पूछने की क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन सूखे कपड़े से ही सूखे इससे नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हल्का सा गर्म पानी लेती हूँ, उससे क्लीन करके देखती हूँ तो शायद क्लीन हो जाए। तो फिर मैंने देखा कि हाँ क्लीन हो रही है, और थोड़ा सा गुनगुना पानी और सरफ से लिया मैंने, पुराना वाला पोछा नहीं लिया, थोड़ा नया वाला पोछा यूज़ किया मैंने, क्योंकि दीवारें थी काली हो जाएंगी इसीलिए। और रूम की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, मतलब सब कुछ इधर से उधर हो रखा है, लेकिन कोई नहीं, ये काम भी शुरू करना तो था ही, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, तो धीरे धीरे क्लीनिंग शुरू करेंगे तभी हो पाएगी। भाई मेरे पूरे हाथ में इतना दर्द हुआ ना, पूरा कमरा करते करते, और इस तरह से ये आसानी से क्लीन नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ा रगड़ना पड़ रहा था, मतलब ऐसे ही क्लीन नहीं हो रही थी, और इनको रगड़ते रगड़ते मतलब मुझे 3 से 4 बज गए। पहले मैंने सोचा था कि अभी नहा लूँगी, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा नहीं ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई काम के लिए हम लगेंगे नहीं जब तक नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, आज ये कमरा करके ही छोड़ना है, बाकी अंदर की क्लीनिंग जो है वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी पहले दीवारें क्लीन कर ली जाएँ, क्योंकि अगर ये वाला काम कंप्लीट हो गया तो फिर तो नॉर्मल क्लीनिंग रह जाती है, क्योंकि जाले वाले सब हट जाएंगे। देखो दीवारों में कितना फ़र्क दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर देखा कि पर्दे बार बार बीच में आ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो चलो पर्दे भी धो ही देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मशीन में मैं पर्दे साथ के साथ लगा दूँगी, वो पर्दे चलते रहेंगे उसमें मशीन में, और इधर मैं अपने कमरे की दीवारें कर लूँगी साथ की साथ। कितना फ़र्क दिख रहा है सामने से, देखो अलग ही फ़र्क दिख रहा है, इतना मतलब रगड़ना पड़ रहा है ना, और पानी एकदम काला, बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि मतलब दीवारों पर काई जम गई, मतलब धूप नहीं लगी तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब थोड़ा धूप खुलने लग गई तो दीवारों की अब कोई कंडीशन नहीं है, और साफ़ देखो मतलब हल्के हाथ से बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा था, ये थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा था इसको क्लीन करने में, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई इनको क्लीन करते करते। और अभी यहाँ पर पर्दे हट गए हैं तो क्लीनिंग करने में भी दिक्कत नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी करूँगी। और जब तक हम ये काम हम जब तक खुद शुरू नहीं करेंगे जब तक होगा ही नहीं, कितना ही सोचो नहीं होता शुरू। और देखो कितना फ़र्क है, देखो ऐसा किसी के घर में होता है क्या, मतलब देहरादून की दीवारों की ये हालत हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस पूछो मत। और ये हम दोनों का फ़ोटो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी सामने वाली दीवार पूरी हो गई है, साइड से शुरू कर दी है, बाकी अभी ये भी बाकी हैं, चारों कमरे चारों ओर से दीवारें ऐसी हो रखी हैं, तो धीरे धीरे कर लूँगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना फ़र्क अलग ही दिख रहा है इन दोनों में ना। तो अभी यहाँ पर ये क्लीनिंग करने के बाद आगे बढ़ूँगी मैं। क्लीनिंग लगभग हो गई है तो मैंने अब टीवी की क्लीनिंग कर रही हूँ, टीवी को साफ़ कर रही हूँ, डस्ट हटा रही हूँ इस। अब लास्ट डस्टिन कर दी है मैंने, करते करते इसको मुझे मतलब 12 बजे से 2:30 बज गया था, मतलब नहाने धोने तक का मेरा 4 बज गए थे, 3:30-4 के करीब मैं नहाई थी, और अभी लगभग 4 बज रहे होंगे, 4 बजे के आसपास मैं नहा लूँ। और अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं अपने लिए बनाऊँगी खाना। उससे पहले मैं अपने बालों मतलब थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि बाल जब वॉश करती हूँ तो सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ, बिंदी चाहे ना लगाऊं लेकिन सिंदूर मैं ज़रूर लगा लेती हूँ जब हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि खाली मांग नहीं रखनी चाहिए ना, तो इसीलिए अभी मैं बिंदी भी साथ के साथ लगा लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू क्लीनिंग कर रही थी, क्लीनिंग करने के साथ साथ बच्चों को बीच में खाना देना ये सब भी कर रही थी, और इसी वजह से इतना लेट हो गया, क्योंकि पूरा घर की क्लीनिंग तो मैं कर चुकी थी, बस रूम को लेकर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो इसको रूम को बिना नहाए ही करते हैं, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करना है तो करना है, जो सोच लिया ना बस कर लो तो कर लो। तो बस यहाँ पर मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ आज पूड़ी, क्योंकि मैंने बनाए थे दोपहर में शायद छोले बनाए थे, सूखे वाले जो छोले होते हैं वो बनाए थे, तो मैं इसलिए पूड़ियाँ बना रही हूँ अपने लिए। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, तो मैं बच्चों को खिला दिया और मैं अपने लिए बना लूँगी खाना। तो और रेडी है मेरी ये फूली फूली पूड़ी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अच्छा लगता है ना जब इस तरह से गोल गोल फूली फूली पूड़ी निकलती हैं, और मुझे थोड़ी सी रेड रेड अच्छी लगती हैं, मतलब एकदम वाइट वाइट नहीं, अच्छी लगती हैं। और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। मैंने सूखे वाले छोले बनाए, चना मसाला जो होते हैं वो बनाए थे आज मॉर्निंग में, तो बना लिए हैं, आप भी आ जाइए खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज पूरे रूम की क्लीनिंग की है मैंने, पूरे रूम की क्लीनिंग, मतलब
अच्छी वाली। और बारिश की वजह से ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कि घर में क्लीनिंग हो ही नहीं रही, तो ऐसा तो नहीं है कि घर में क्लीनिंग नहीं हो रही हो होगी। तो अभी देखो दीवारें अब क्लीन हो गई हैं, बहुत गंदी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या इसमें वो हो गया। और पूरे घर में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी रूम में है, मतलब क्योंकि या तो ये कह लो कि इस रूम में ये मॉइस्चर रहता है पीछे से, मतलब खुला रहता है, तो ये वाला इसमें ना धूप नहीं आ पाती। बाकी रूम में क्या है कि सामने से जब जैसे मॉर्निंग की धूप निकलती है तो और बाकी रूम में लग जाती है, लेकिन इस वाले रूम में नहीं लग पाती। धूप घूमने तक इस रूम में बारिश, मतलब बारिश होना शुरू हो जाती है जब इस रूम में धूप आने वाली होती है उसी दौरान, और लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे बारिश 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 हो जा रही है। और मैं 4 बजे तक खाना पीना मैंने कर लिया था अपना, लेकिन अभी मेरे बाल नहीं सूखे हैं, सोच रही हूँ कि मैं ड्रायर कर लूँ क्योंकि अभी ठंडा भी लग रहा है, लेट ना हो तो थोड़ा शाम के टाइम ठंडा लगता है। और काम तो ऐसे हैं कि हमेशा ही करने हैं, जिंदगी भर काम ही काम काम काम, तो मैं किसी काम को ना लोड लेकर नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही किया, दीवारें क्लीन की हैं और बाकी मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो बाकी जो मैं करूँगी कल करूँगी। अब मुझे थोड़ा सा ड्रेसिंग को भी यहाँ से शिफ्ट करना था, थोड़ा सा रूम का लुक चेंज हो जाएगा तो इसीलिए, और इसको मैं कल करूँगी। और अभी मैं अपने बाल ड्राई करूँगी, ड्राई करने के बाद उसके बाद मैं लगाऊँगी पर्दे, क्योंकि पर्दे मैंने वॉश कर दिए थे, साथ के साथ मशीन लगा दी थी, फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो मशीन में वॉश करने के लिए लगा दिए थे, और उसी बीच मैंने सारा क्लीन किया और वॉश भी हो गए। और अब ये पर्दे सूख जाएंगे तो मैं साथ के साथ लगा दूँगी, नहीं भी सूखेंगे थोड़े बहुत गीले होंगे तो वो पंखे में भी सूख जाते हैं, वैसे तो सूख जाएंगे क्योंकि मैंने फैला रखे हैं पंखे में, कुछ पंखे में कुछ बाहर। अभी भी बारिश का मतलब योगा करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ऐसा क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अभी मुझे पर्दे वर्दे सब लगाने हैं, पूरा शाम तक पर्दे लगाने हैं किसी तरह। बाय।